हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज गाइस हम लोग बना रहे हैं दम का चिकन। तो आज हम लोग कर रहे हैं रूम की सफाई भी। और ये देखो, रूम की सफाई कौन कर रहा है? तो रूम की सफाई कर रहा है अजलान। और वो भी देखो, वैक्यूम क्लीनर लेकर अजलान ने पूरी रूम की सफाई कर दी है। ये देखो कितने अच्छे से क्लीनिंग की है अजलान ने। पेंटिंग का सारा वो लग गया। तो ये मेरा बेटा है ना, बहुत अच्छा बेटा है। और ये मम्मा, उसको पता है यहाँ पर मम्मा को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो अजलान हमेशा मेरी हेल्प करता है क्लीनिंग में। ऐसा नहीं कि वो लड़का है तो वो काम नहीं कर सकता है, वो लड़का होके भी मम्मा की सारी हेल्प करता है। मम्मा को मॉप करने के लिए, मम्मा को क्लीनिंग करने के लिए, मम्मा के साथ कपड़े भी सुखाते हैं, मम्मा को खाना भी खिलाते। हाँ, बट अपना काम नहीं करता। अजलान को खाना मैं खिलाती हूँ। नहीं, मैं अपने आप खाता हूँ। बट अजलान मेरी बहुत हेल्प करता है। तो आज हम लोग है ना, आगे का जो डाइनिंग टेबल है ना, वो हम लोग उसको सेटअप करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ बाहर के रूम में जो डाइनिंग टेबल है ना, वो कोई यूज नहीं कर रहा है। जैसे कि देखो, ये यहाँ पर डाइनिंग टेबल पड़ा है, तो ये अजलान स्कूल और ट्यूशन से आके बैग यहाँ रख देता है, अपने रूम में नहीं रखता। और फारूक भी आते हैं और अपना वॉलेट चाबी वाबी सब यहाँ, तो यहाँ सिर्फ पसारा हो रहा है। तो मैंने सोचा ये डाइनिंग टेबल को अंदर रखते हैं और अंदर यूज़ करते हैं, नहीं तो ये दोनों बाप बेटे सोफे पे बैठ के खाना खाते हैं ज़्यादा करके, और मेरा सोफा खराब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर है ना, इतनी स्पेस बन जाती है। ये हमारा सोफा है और ये यहाँ टीवी है, और यहाँ पर इतनी सारी जगह बच रही है। और गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो फोन को ऐसे ऐसे करो, और फिर बाद में गेम वाले जगह में लाइक का लगा रहेगा, तो उसको लाइक ग्रे रखना, उसको ब्लू रखना, सब्सक्राइब का ग्रे रखना और बेल भी हिट करना। तो यहाँ पर हम लोग अभी डाइनिंग टेबल सेट करने वाले, और आज जैसे कि थर्सडे है तो आज से हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो वीकेंड वाले दिन आज हम लोग कुछ स्पेशल बना रहे हैं फारूक के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर दम का चिकन, और यहाँ पर मैं डिजर्ट में बनाने वाली हूँ खीर, जो अजलान को नहीं पता था, अभी पता चला। तो दम का चिकन की रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो अभी हम लोग बस यहाँ पर मेरी प्याज को मैं ब्राउन कर रही हूँ, जब तक मैं डाइनिंग टेबल अंदर शिफ्ट कर देते हैं। मैं भी मदद करूँगी विद द हेल्प ऑफ अजलान। गाइज, आप देख सकते हो ये हम लोगों ने टेबल सेट किए। अब आने के बाद फारूक का रिएक्शन क्या होता है पता नहीं। और ये देखो अजलान कैसे नाइफ फोल्ड कर रहा है, देखो टिश्यू में ये खिचड़ी बना रहा है पूरा। मैं नजदीक लेकर जाके बताती हूँ। तो ये है हमारा टेबल, अब हो गया है ये डाइनिंग टेबल सेट। और ये देखो, ये अजलान ने टिश्यू रोल किया है और ये मैंने
कुकर मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ गाइस। ये देखो तो कैसा लगा हमारा डाइनिंग टेबल की सेटिंग, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। देख सकते हो कितना जबरदस्त बना है। तो ये देखो हमारा दम का चिकन रेडी हो गया और ये खाली दही के दम में, पानी नहीं डाला इसमें, खाली दही है। तो अगर इसका कंप्लीट रेसिपी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके आप देख सकते हो। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। और ये यहाँ पर खीर भी बन गई है, आप देख सकते हो कितनी मस्त खीर बनी है। तो खीर के बारे में अभी पारुक को बिल्कुल पता नहीं है, तो ये बाद में सरप्राइज देते हैं। तो ये है हमारा कैंडल लाइट डिनर है आज का। तो फारूक कैसे लगा आपको बताएं? और मैंने ये कैंडल का प्लान लगाया, बहुत ब्यूटीफुल एंड रोमांचिक रोमांचिक डिनर। और ये अजलान ने बहुत मेहनत किया, अजलान ने कैंडल्स लगाया है, मम्मा ने जलाई कैंडल को। तो अभी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे और फारूक बताएंगे कि कैसा बना है। ऐसे लग रहा है होटल में। तो आज का वीकेंड हमारा स्टार्ट हो गया है कैंडल लाइट डिनर के साथ। तो आप लोग भी आए खाना खाने? हाँ, सऊदी है ये जगह और फ्लैट नंबर भी है, रोड नंबर भी है। ऐसे लग रहा है असली के होटल में। अजलान को बहुत ज्यादा मजा आ रही है। अजलान अपने गर्लफ्रेंड के साथ कैंडल लाइट डिनर तो अजलान पूरा ट्रेनिंग नहीं यार, और ये पूरा सेटिंग है ना अजलान की, और प्लानिंग भी अजलान की थी है ना। और फारूक को हम लोग का डिनर सॉरी डाइनिंग टेबल यहाँ पर रखने का आइडिया अच्छा लगा, अभी यूज होगा ना यहाँ पर। आज ये तो फारूक ऑफिस से आके उस पे रखते थे बैग कुर्सी पर। और दम का चिकन भी अच्छा बना रहे हो, बहुत अच्छा। एक और सरप्राइज बाकी है, जय को पता नहीं है। गाइस आपको तो पता होगा, सुबह मम्मा ने ब्लैंक बताई थी, मैंने वो सोचा वर्ड है अभी भी। क्या था? नहीं ब्लैंक को सब बताओ, मम्मा बता रहे हैं गाइस को बता रहा हूँ। नहीं गाइस डैडी ये ब्लैंक है, अब आपको चूज करना पड़ेगा। ओ डेजर्ट, हाँ डेजर्ट तो है। ओ अब हलवा कुछ बता नहीं रहा है। खाना खाने के बाद हम लोग देखेंगे बिग बॉस, जब मिलते हैं जब तब हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर डिनर आएगा तब मैं वापस से ऑन करूंगा। Thank you.
मैं नाइस मैंने लाया हूँ चम्मच गाइस ये है खीर तो डिजर्ट में मैंने बनाई थी गाइस मेरे को ठंडी खीर पसंद है और ये मैंने ठंडी ठंडी खीर बनाकर बहुत ठंडी है ज्यादा नहीं ठंडी मैं भी रखी और ठंडी होनी चाहिए बहुत जी अजलान को खाई थी खाई बहुत अच्छी खीर है मैं राइस है जो फारूक का जो रिएक्शन रहता है रिएक्शन रिएक्शन लेस होता है क्या बोलते हो फारूक बोलो जरा बहुत ही अच्छी खीर बनी है मीठी और ठंडी राइस है विटामिन डी है बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं क्या रहा हूँ बता रहा हूँ मजाक कर मजाक उड़ाते मेरा बहुत कैमरा चालू है तो बस आज का ब्लॉग यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं और अभी हम लोग खाना हो गया है तो हम लोग आइसक्रीम खाएंगे फिर अभी टीवी वगैरह देखेंगे तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट बंद कर दो बाय बोलो बाय